What's up guys, this is Guru Maan. ये है Muscular 8 Saturday Legs Training. आज बहुत ही important muscle group लगा रहे हैं हम legs. So legs के साथ हम लगा रहे हैं abs, उसके बाद हम करेंगे post workout 20 minutes cardio. Now legs हमारा body का सबसे बड़ा muscle group है. Legs के अंदर है quads, hams, glutes and calves. इंडिया में लगभग 70-80% लोग लेग्स ट्रेन नहीं करते. जो लोग जिम जाते हैं उनमें से 70-80% लोग जिम जाकर लेग्स ट्रेन करते नहीं. और आपको मैं बताऊं, लेग्स हमारे पिलर्स हैं, हमारी फाउंडेशन है. तो ये आप मिस बिल्कुल ना करें. जिस तरह से कोई बिल्डिंग में जब पिलर्स का काम करते हैं, जब बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी जो पिलर्स है उस बिल्डिंग की फाउंडेशन है, हमारे लेग्स हमारे बॉडी के फाउंडेशन है. आपको ये मालूम होना चाहिए, लेग्स आपको हर जगह लेकर जाते हैं. जब कहीं भी आप जा रहे हैं, लेग्स आपको वहां लेकर जाते हैं. सो यू हैव टू गिव प्रेफरेंस, राइट? सो डू नॉट स्किप योर लेग्स वर्कआउट. मैंने मस्कुलर 8 में आपके लिए लेग्स का जो वर्कआउट डिजाइन किया है वो काफी इंटेंस है, और आप लोगों को ट्रेन करना है वंस अ वीक. अगर आपकी लेग्स में काफी फैट है वो डिफाइन होगी, अगर आपकी लेग्स काफी थिन है तो वो ग्रो करेंगे. सो डेफिनेटली लेग्स जरूर लगाएं. मैं आपको बताता हूं हमारे लेग्स में आज हम कौन कौन सी एक्सरसाइज लगा रहे हैं. हमारी पहली एक्सरसाइज है लेग्स में लेग प्रेसेस, उसके साथ सुपरसेट है लेग एक्सटेंशन. दूसरी है रिवर्स लंजेस, उसके साथ है सुमो डेडलिफ्ट. थर्ड एक्सरसाइज है डंबल स्टिफ लेग डेडलिफ्ट एंड उसके साथ है ग्लूट्स किकबैक. फोर्थ है बॉडी स्क्वाट्स, वो है डेथ सेट. हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है सीटेड कैफ रेज, उसके हम तीन सेट लगा रहे हैं 30 रेप्स पर सेट. उसके बाद है एब्स, एज हम ट्रेन कर रहे हैं डीक्लाइन सेटअप्स, रिवर्स क्रंचेस, हैंगिंग नी रेजेस, वुड चॉपर एंड लोअर बॉडी ट्विस्ट. उसके बाद हम करेंगे 20 मिनट्स कार्डियो ऑन स्टेशनरी बाइक. क्वाड्स के अंदर हमारे तीन अलग मसल्स हैं, आउटर क्वाड्स, इनर क्वाड्स और मेन क्वाड्स. इनर क्वाड्स जो मीडियल है, आउटर जो लैटरल है, और ग्लूट्स है उसके अंदर. ग्लूट्स के अंदर है मैक्सिमस एंड मिनिमस. उसके बाद हैमस्ट्रिंग के अंदर लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड. कैल्व्स के अंदर है गैस्ट्रोनेमियस एंड सोलियस मसल. तो हम यहां शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज है लेग प्रेसेस. लेग प्रेस लगाने से पहले आप अपनी बॉडी को वार्म अप जरूर करें. मेक श्योर आपकी लेग्स अच्छी तरह से वार्म अप हो. वार्म अप के लिए आप 5 मिनट तक बाइक चला सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, इंक्लाइन वॉक कर सकते हैं. अब लेग प्रेसेस में आपका जो पैरों का गैप है वो आपके शोल्डर के विड्थ के इक्वल होना चाहिए, ज्यादा वाइड नहीं चाहिए. जो मेरी हील से आप देखें वो पैड के बिल्कुल नीचे कोने में मैंने रखी हुई है, और यहीं पर आपने रखनी है. इससे हम क्वाड्स के ऊपर ज्यादा टेंशन क्रिएट करेंगे. अगर आपने ज्यादा पैर ऊपर रखा तो आपकी हैमस्ट्रिंग ट्रेन होंगी. आप इतना ज्यादा नीचे ना लेकर आए कि आपकी जो हिप है वो एक्सटेंड करे, वो मुड़े. अगर आपकी हिप एक्सटेंड हुई तो आपकी लोअर बैक डिस्क के ऊपर प्रॉब्लम होगी. सो डोंट डू दैट. आप यहां पर कंटिन्यूस के 15 से 20 रेप्स लगाएंगे, उतना ही वेट का इस्तेमाल करें जिससे आप अच्छी तरह टेंशन क्रिएट कर पाए. इस एक्सरसाइज से हम अपने लैटरल और मेन क्वाड्स को ट्रेन कर रहे हैं. इसके बाद हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो है लेग एक्सटेंशन. लेग एक्सटेंशन ये एक्सरसाइज एक्सटेंशन फॉर्म में है. पहली एक्सरसाइज लेग प्रेस वो स्ट्रेचिंग फॉर्म में थी, ये एक्सटेंशन फॉर्म है क्योंकि आपके क्वाड का फंक्शन है लेग को एक्सटेंड करना और स्ट्रेच करना. तो हम दोनों मूवमेंट में यहाँ इनकॉर्पोरेट करके जो हमने सेट बनाया है. लेग एक्सटेंशन में आप यहाँ पर अपना आपकी बैक है बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए पैड के ऊपर, और आपने यहाँ पर पूरा फुली एक्सटेंड करना है जब आप लेग्स को ऊपर लेके जाएंगे. मेक श्योर यू एक्सटेंड योर लेग्स, फुली कॉन्ट्रैक्ट योर लेग्स. यहाँ पर आप लेग्स का जो मीडियल मसल है, टीयर ड्रॉप मसल, मतलब इनर क्वाड्स, वो ट्रेन हो रहा है. अगर आपके यहाँ पर टोज थोड़े से पॉइंट होंगे आउटसाइड तो यहां पर आप मीडियल मसल के ऊपर ज्यादा टेंशन क्रिएट करेंगे. इसके भी आप 15-20 रेप्स लगाएंगे. उसके बाद आपने 1 मिनट रेस्ट लेनी है और रिपीट करेंगे आप सेट नंबर 2 एंड 3. हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिवर्स लंजेस. मैंने अपने पिछले मसल साइज एक्सरसाइज में आपने, अगर आपने उस प्रोग्राम को फॉलो किया होगा, तो वहां पर मैंने आपको वॉकिंग लंजेस की एक्सरसाइज करवाई थी. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी. यहां पर हम चेंज कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं रिवर्स लंजेस. हम पीछे को लंज करेंगे इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड, वी डूइंग रिवर्स बैक साइड. तो रिवर्स लंज में आप बॉडी वेट से शुरू करें अगर आपका बैलेंस सही नहीं है. अगर आपका बैलेंस है तो आप यहां पर वेट ऐड करें. यहां पर आपने ऑल्टरनेट करना है 1 बाय 1, और आपने ध्यान रखना कि आप अच्छी तरह से आप इसको
स्ट्रेच कर पाए, आपकी जो दूसरी नी है वो ग्राउंड के ऊपर टच होनी चाहिए, आपकी जो फ्रंट नी है वो आपके टो से आगे नहीं जानी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज में अपना कॉन्सेंट्रेशन आपकी होनी बहुत जरूरी है। इसके आप 15 से 20 रेप्स लगाएं बोथ साइड। उसके बाद हम लगाएंगे सुमो डेड लिफ्ट। सुमो डेड लिफ्ट में यहाँ पर हमारी जो स्टैंस है लेग्स का वो काफी वाइड होना चाहिए और हमारी जो टोज है वो बाहर को तरफ पॉइंट करनी चाहिए। टोज पॉइंट आउट होगी तो हमारी जो टेंशन है वो इनसाइड इनर क्वाड्स के ऊपर होगी, जो हमारा मीडियल मसल है। और यहाँ पर हम एडक्टर मसल और एबडक्टर मसल्स, जो एडक्टर मसल अंदर की तरफ है, इनर थाइस के मसल्स है, वो स्ट्रेच करेंगे, वो नए मसल रिक्रूट होंगे। अगर आपकी काफी फैट है आपकी थाइस के अंदर तो वो बर्न होगी, क्योंकि ये यहाँ पर जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये लेग्स की जो अंदर का हिस्सा है, काफी लोगों में फैट है वहां पर, तो वहां से उसकी फैट उनकी उड़ेगी और अंदर के जो मसल है वो रिक्रूट होंगे। एडक्टर मसल्स वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स, और उसके साथ एबडक्टर मसल्स। यहाँ पर आपकी जो बैक है आपने ड्रॉप नहीं करनी, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। अगर आप बैक ड्रॉप कर रहे हैं आपके लोअर बैक डिस्क के ऊपर प्रेशर होगा, वो आपने क्रिएट नहीं करना। आप डंबल को एक साइड से होल्ड कर सकते हैं और आपकी जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए और आप पूरा नीचे जाएं जब आपका डंबल ग्राउंड पर टच होता है, देन कम बैक। तो यही पोजिशन में आपने एक्सरसाइज करनी है, 15 से 20 रेप्स लगाएं। और इस एक्सरसाइज के बाद आपने 1 मिनट रेस्ट लेनी है और आपने रिपीट करना है स्टेप नंबर 2 और 3। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है डंबल स्टिफ लेग डेड लिफ्ट। नाउ अगर यहां पर आप बारबल के साथ लगाएं ये एक्सरसाइज तो बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 70-80% लोग एक्सरसाइज नहीं लगाते लेग्स की, तो उनके लिए बारबल से पहले दिन लगाना, जहां इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अगर लगाने में, तो आपके इंजरीज के चांस बहुत ज्यादा है। तो आप डंबल से शुरू करें। अगर आप देखें मैं यहाँ डंबल यूज कर रहा हूँ, डंबल में आपकी जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, आप बिल्कुल मिरर के सामने खड़े हो ताकि आप अपने आप को देख सकें, अपनी फॉर्म को देख सकें। तो यहाँ पर आपकी स्टिफ लेग का मतलब है आपने लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, आपकी जो नीज है बेंड नहीं होनी चाहिए। अगर हम नीज बेंड करके डेडलिफ्ट लगा रहे हैं वो रोमेनियन डेडलिफ्ट है, हमने वो नहीं लगानी। तो आप धीरे धीरे नीचे जाएं और आपका जो डंबल है वो आपके नीज के साथ होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए, दूर नहीं। तो आप जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे नीचे उतने ही आपके जो ग्लूट्स हैं हैमस्ट्रिंग है वो ट्रेन होंगे। यहां पर आपका जो प्राइमरी मसल है वो है हैमस्ट्रिंग, उसके साथ सेकेंडरी मसल है ग्लूट्स। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, आपकी बैक में बिल्कुल बेंड नहीं चाहिए। अगर आपकी बैक बेंड हो रही है वेट कम करें, नहीं तो आपके लोअर बैक के ऊपर प्रेशर होगा, वो बिल्कुल गलत है। 15 से 20 रेप्स लगाएं। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज सुपर सेट में वो है ग्लूट्स किक बैक। नाउ ये एक्सरसाइज हमारे ग्लूट्स के लिए है, लोग इग्नोर करते हैं ग्लूट्स को भी, बहुत ही जरूरी है, सारा दिन आप बैठते हैं ग्लूट्स के ऊपर ही बैठते हैं। सो इस मसल का आप इस्तेमाल करें, इस मसल को जितना आप ज्यादा ट्रेन करेंगे उतना ये मसल स्ट्रांग होगा। आपके हिप मसल बहुत ही जरूरी है, लोग में वीक मसल है हिप एंड लेग्स, मेक श्योर यू ट्रेन। अगर आपकी ये वीकनेस है आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, 2015 में आप अपने वीक मसल को स्ट्रेंथ बनाएं। मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप अपनी लेग्स रेगुलर ट्रेन करते जाएंगे आपकी अपर बॉडी डिवेलप होगी, ग्रो करेगी। सो मेक श्योर यू ट्रेन इट। तो यहाँ पर हम ग्लूट्स किक बैक में आप जो नॉर्मल मशीन है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर वहां पर आपके जो एंकल्स का ग्रिप हैंडल है तो दैट्स परफेक्ट, अगर आपके वहां पर एंकल्स का हैंडल नहीं है तो आप जो रेगुलर हैंडल हम यूज करते हैं केबल्स में उसी के ऊपर अपनी लेग्स को एडजस्ट कर आप यहां पर एंगल को होल्ड कर सकते हैं। और यहां पर आप अपनी लेग को पीछे की तरफ उठाएंगे, यहां पर आप किक बैक पोजिशन में आप करेंगे। और मेक श्योर जब आप किक बैक करें तो आप अपने ग्लूट्स को स्क्वीज जरूर करें, अगर आप यहां पर स्क्वीज नहीं कर पा रहे हैं तो वेट कम करें, स्क्वीज बहुत जरूरी है, आपको वो स्क्वीज किसी भी एक्सरसाइज में आपको नहीं मिलेगा। जब आप डेड लिफ्ट लगाते हैं स्क्वाट्स लगा रहे हैं वहां पर आप स्ट्रेच कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो हम स्ट्रेचिंग मूवमेंट तो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइज कौन सी करेंगे? तो ये कॉन्ट्रैक्शन बेस्ड एक्सरसाइज है, आप वेट उतना इस्तेमाल करें जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। ये सुपर सेट के बाद आपने लगभग 1 मिनट की रेस्ट लेनी है, उसके बाद आप इसको रिपीट करें सेट नंबर 2 और 3। इसके बाद हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वो है बॉडी वेट स्क्वाट, ये है डेथ सेट। अब डेथ सेट में आपको मालूम है आप करते आ रहे हैं 50 रेप्स लगाने हैं आपने। सो ये सिर्फ बॉडी वेट स्क्वाट है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। बॉडी वेट स्क्वाट
बहुत ही इजी है, हर कोई लगा पाएंगे. लेग्स स्ट्रांग होती है मसल, सो पीपल कैन डू इट इजीली. पुशअप में टफ हो सकता है, बाकी एक्सरसाइज में टफ होता है, लेकिन इसमें टफ नहीं है. जो लोग इजी लगा पाए इस एक्सरसाइज को बॉडी वेट, तो वहां पे अपने शोल्डर पर बारबल, एम्प्टी बारबल का इस्तेमाल करें, और एम्प्टी बारबल से आप यहां पर 50 रेप्स लगाएंगे डेथ सेट 50 बिना रुके हुए. अगर आप यहां पर टायर्ड हो रहे हैं, फटीग हो रहे हैं, तो आप वहां पर 10 सेकंड ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन यू हैव टू डू 50. आपको मालूम है दैट्स योर गोल. हमारी पांचवी एक्सरसाइज है कैब्स की, वो है सीटेड कैफ रेज. नाउ हर जिम में ये मशीन है सीटेड कैफ रेज की. अगर आपके जिम में सीटेड कैफ रेज की मशीन नहीं है, तो आप यहां पर अपने नीज के ऊपर डंबल होल्ड कर सकते हैं, या बारबेल में वेट डालकर अपने नीज के ऊपर रख सकते हैं. यहां पर आप देखें मेरी टोज पैड के ऊपर है सिर्फ. तो आप यहां पर टू डिफरेंट मूवमेंट्स है, स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन. जब नीचे जा रहे हैं आप फुली स्ट्रेच कर रहे हैं अपने जो मसल्स है कैब्स का. जब आप ऊपर जा रहे हैं यू फुली कॉन्ट्रैक्टिंग. जब ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, यू सप्लाई मोर ब्लड. जितना ज्यादा ब्लड आप सप्लाई करेंगे कैब्स के अंदर, उतना ही आपका मसल ग्रो होगा. आपको मालूम है ब्लड कैरीज ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द अमीनो एसिड. जो आप सारा दिन कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम डाइट में सारा ले रहे हैं सारा दिन, वो आपके कैफ मसल के अंदर सप्लाई हो रहा है इस समय. सो मेक श्योर यू मेक माइंड एंड मसल कनेक्शन. जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें, यू गोना फील द पेन. वो पेन नहीं, वो ब्लड जो ट्रेवल करेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां पर आपने 3 सेट लगाने इसके, लेकिन हमारे रेप रेंजेस क्या है, 30. एक सेट में 30 रेप्स लगाएंगे. यस, वी हैव टू शूट हाई रेप्स. कैब्स को हाई रेप्स करना जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ स्लो ट्विच मसल फाइबर. स्लो ट्विच मसल फाइबर में हम यहां पर हाई रेप्स शूट करेंगे. जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर है उसमें हम लो, लेकिन हम यहां पर स्लो ट्विच मसल फाइबर को एक्टिवेट कर रहे हैं बाय हिटिंग 30 रेप्स. सो कैब्स, जो आपका सारा दिन आपका जो वेट है वो लेग्स के ऊपर है, उसके बाद कैब्स के ऊपर है. तो कैब्स आपकी सारा दिन काम करती है, राइट? तो इसीलिए हमने यहां पर हाई रेप शूट करने हैं, ताकि उसके अंदर जो एनर्जी है हम उसको बर्न करें, और उसके बाद हमारे जो न्यूट्रंस ले वो रिकवर हो उस न्यूट्रंस से और ग्रो करे, शार्प हो, मसल डेफिनेशन हो. जो कैस्ट्रोनेमियस मसल है, जो पिन्नी होती है सॉलिड, वो हमारी डेवलप हो. तो इसके आपने 3 सेट लगाने हैं विद 30 रेप्स. मेक श्योर यू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच एट द बॉटम, दैट्स अ की. अब हम लगाएंगे एब्स. एब्स हमारी सेम वही एक्सरसाइज जो हमने ट्यूसडे की थी, थर्सडे की थी, वही हम आज सैटरडे करेंगे. 3 बार लगा रहे हैं हफ्ते में, सेम एक्सरसाइज, कोई डिफरेंस नहीं. पहली हमारी एक्सरसाइज थी डीक्लाइन सेटअप. आपको मैंने बताया डीक्लाइन सेटअप से आपने ध्यान रखना है कि आपने स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज करनी है, कॉन्स्टेंट टेंशन होनी चाहिए, और यहां पर आपने ब्रेक नहीं लेनी इन बिटवीन. और आपने 15 से 20 रेप्स लगाएंगे इस एक्सरसाइज के, और आपने ज्यादा नीचे नहीं आना, ज्यादा ऊपर नहीं आना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक माइंड एंड मसल कनेक्शन. उसके बाद हमारी एक्सरसाइज थी रिवर्स क्रंचेस. रिवर्स क्रंचेस में आपका जो बेंच है वो आप डीक्लाइन बेंच के ऊपर लगा सकते हैं, और यहां पर आपने अपनी हिप को लिफ्ट नहीं करना. अगर आप हिप को लिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी जो लोअर बैक है, डिस्क के ऊपर काफी टेंशन होगी, प्रेशर होगी, उसकी पेन होगी आपको, जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी. सो आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपने लोअर बैक के ऊपर कोई भी अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं डालना. और यहां पर आपने इसको भी 15 से 20 रेप्स लगाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैंगिंग नी रेज. थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइज है. मैंने आपको बताया है कि आप डे बाय डे, वीक बाय वीक आपकी जो स्ट्रेंथ है बढ़ेगी. आप 1 लगाएंगे, उसके बाद 2, 5, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी. पहले दिन आपके लिए 15 से 20 लगाने टफ होंगे, लेकिन 8 हफ्ते के बाद आप इजी लगा पाएंगे. सो आपने हैंगिंग में आपने इस मशीन के नीचे रहना है जब तक आप 20 पूरे ना कर पाए. इसका कोई ऑल्टरनेट आपको नहीं बता रहा हूं मैं, इसकी कोई ऑल्टरनेट नहीं, यही लगानी है. सो हर बार आप ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश ना करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए. आप वही कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं वहीं पर, कि वो ऐसे नहीं लग रही तो नहीं लगाएंगे. लगाओ, लर्न इट. आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी. ह्यूमन बॉडी सब कुछ सीखती है, और ह्यूमन बॉडी सब कुछ अडेप्ट कर सकती है. आपको ये मालूम होना चाहिए ह्यूमन बॉडी की कोई लिमिट नहीं है. तो अपनी लिमिट ना बनाए. गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड परफॉर्म दिस एक्सरसाइज. पहले दिन जब मैंने लगाई थी, मेरे से 1 रेप नहीं लग रहा था, बहुत साल पहले की बात. सो ये होता है कि जब प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट, आपको ये मालूम है. तो इसीलिए आपकी ये प्रैक्टिस है,
मेक श्योर यू ट्रेन डे बाय डे एंड वीक में आप तीन बार ट्रेन कर रहे हैं एंड आई गारंटी यू आप वीक के अंदर अंदर दो तीन चार वीक के अंदर बहुत अच्छी लगा पाएंगे। उसके बाद हमारी एक से वुड चॉपर। अब वुड चॉपर में आपको मालूम है कि आपने यहाँ पर आपकी स्पाइन लॉक चाहिए, हेड लॉक चाहिए, आपका लोअर बॉडी लॉक चाहिए, सिर्फ आपका टॉर्सो ही मूव करना चाहिए ताकि जो फैट है आपके लव हैंडल से अराउंड वो आप बर्न कर सकें। इस एक्सरसाइज को आपने ध्यान रखें कि आपने अच्छी तरह स्ट्रेच करना है जब आप पीछे वेट आपको खींच रहा है और आप वेट को खींच रहे हैं तो यहाँ पर आपके जो मसल है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ से रोटेशन हो रही है और ध्यान रहे आप इसमें अपना पूरी बॉडी को मूव ना करें, सिर्फ अपने टॉर्सो को ही मूव करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे जो है लोअर बॉडी ट्विस्ट। लोअर बॉडी ट्विस्ट में आप ये ग्राउंड पर लगाएंगे, आपकी जो अपर बॉडी है वो लॉक होनी चाहिए, आपने अपने हैंड्स को ग्राउंड से सपोर्ट लेंगे और अपनी लोअर लेग्स को लेफ्ट एंड राइट रोटेट करेंगे काइंड ऑफ पेंडुलम। तो इस एक्सरसाइज को आप अगेन ये लव हैंडल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप देखेंगे हफ्तों के अंदर और क्या कि आपके लव हैंडल्स है वो कम हो रहे हैं, आपकी फैट कम हो रही है। रिमेंबर डाइट बहुत जरूरी है, अगर आप मेरा मस्कुलर एट की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपके लव हैंडल्स बहुत जल्दी उड़ेंगे। अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका स्ट्रगल चलता रहेगा। आपको याद रहे डाइट 90% है, वर्कआउट जो वर्कआउट 10-20% है उसके अंदर आपको 100% देना होता है, तो एक कॉम्बिनेशन है। सप्लीमेंट की जगह बहुत ही कम है, इट्स एड ऑन ओनली 10%। सो फोकस आपका डाइट के ऊपर हो जाइए, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां पर आज अनफिट हैं, फैट हैं, आपके मसल नहीं है उसका कारण डाइट है, आप अपनी डाइट ठीक करें सारी आपकी बॉडी ठीक होगी। एवरी सिंगल मील आपने कंज्यूम करनी है। आई डोंट वांट टू लिसन एनी एक्सक्यूजेस गाइस, मैंने आपके लिए प्रोग्राम क्रिएट किया है एंड डोंट मेक एनी एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज का मतलब है फेलियर, तो नेवर यूज वर्ड कांट, ऑलवेज यूज कैन, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, यस आई नो यू कैन डू इट। अगर बाकी कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं, इट्स नॉट टफ। मैंने बहुत ही ईजी और सिंपल जो आपके लिए न्यूट्रिशन डिजाइन की है, मेक श्योर आप एग्जैक्ट न्यूट्रिशन फॉलो करें। अब हम करेंगे 20 मिनट्स कार्डियो, वो है स्टेशनरी बाइक। आपको मालूम है 20 मिनट्स स्लो कार्डियो करना है हमने। स्टेशनरी बाइक हर एक जिम में है, अगर आपके जिम में स्टेशनरी बाइक नहीं है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, हर एक जिम में साइकिलिंग है, सो यू कैन डू 20 मिनट्स स्लो साइकिलिंग। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर लंग्स एंड योर हार्ट, सो आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, बिल्कुल ये ना सोचें आपके मसल उड़ेंगे। मैंने आपको बताया है आपकी डाइट पर डिपेंड करता है और मेरी न्यूट्रिशन में आपको मैंने इनफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए हैं, डोंट वरी बदर, आपकी सिर्फ फैट ही ड्रॉप होगी, मसल्स नहीं। दैट्स इट गाइस, टेक केयर एंड मेक श्योर हर एक सैटरडे 8 हफ्ते तक अपने यही स्केड्यूल फॉलो करना है। ऑलराइट गाइस,